स्टूडेंट सेवन क्लास के ज्योग्राफी में हम लोग फाइव चैप्टर एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, तो एटमॉस्फेयर जो है वह मेनी टाइप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर्स गैसेस हैं। इसमें बल्कि अमाउंट में नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर्स गैसेस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी कि यह सबसे निचला लेयर है एटमॉस्फेयर का और यह अर्थ सरफेस से क्लोज है, नजदीक है। ऑल वेदर चेंजेस ऑकर इन दिस लेयर, इस लेयर में ही सारे वेदर्स चेंज होते हैं, वेदर संबंधित जो भी घटनाएं होती इसी लेयर में होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर जो है वो पोल्स के पास है और 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास है। द एवरेज थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर इज 13 किलोमीटर, इसकी जो एवरेज औसत जो मोटाई है वो 13 किलोमीटर है। इसमें नॉर्मल लैप्स रेट होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आइए सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एंड लाई एबोव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है और इसका फैलाव जो है 50 किलोमीटर है। इट इज ए ड्राई जोन, यह सूखा है एंड फ्री फ्रॉम काइंड्स ऑफ वेदर फेनोमेना से अलग होता है। इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोनोस्फेयर जिसको कहते हैं, 15 to 35 किलोमीटर तक ओजोनोस्फेयर है। तो ओजोनोस्फेयर जो है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व कर लेती है और अर्थ पर आने से बचाती है, जिससे हम लोग स्किन संबंधी डिजीज से बचते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ओजोनोस्फेयर में, ओजोन लेयर में होल हो गया है जिससे अल्ट्रावायलेट रे अर्थ सरफेस पर आ रही है, ये पॉल्यूशन के कारण हुआ है। थर्ड है मेसोस्फेयर, दिस लेयर लाई अबोव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सिस्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज, इस लेयर में तापमान जो होता है वो घट जाता है, डिक्रीज करता है, रिचेज -100°C और -100°C तक पहुंच जाता है एट 80 किलोमीटर हाइट पर जब हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। इसी लेयर में मेटल्स बर्न होते हैं, जलते हैं, जो आउटर स्पेस से आते हैं। आपका लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर लाई अबोव द मेसोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर अप्रोक्स तक इसका फैलाव है। एज द हाइट इंक्रीज, जैसे ऊंचाई बढ़ती है इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब तापमान बढ़ता है। इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं। इसमें टेम्परेचर 1500°C तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक चेंज पार्टिकल्स जिसको आयंस कहते हैं पाए जाते हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, है ना। आपका अगला लेयर है एक्सोस्फेयर, जो सबसे आउटर स्पेस के पास होता है, एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी लेयर है। एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का सबसे
बाहरी लेयर है। द एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज 1600 किलोमीटर इसका फैलाव होता है मर्ज विद द इंटर ट्री स्पेस, और स्पेस से जाके मर्ज हो जाता है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान पाया जाता है। अब एडवांटेज ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर के एडवांटेज हैं, फर्स्ट है इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। सेकेंड है नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड बाई प्लांट्स फॉर दियर ग्रोथ, यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इसेंशियल हैं जो इस एटमोसफेयर से प्राप्त होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द फॉलिंग, है ना, ये हमें डेबिट से भी बचाता है स्पेस से। डी है इट एक्ट लाइक ए ग्रीन हाउस एंड द कंट्रोल द, है ना, एक्सटर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने बढ़ने घटने से हमें बताता है, डे और टाइम के तापमान को क्या करता है वो मेंटेन करता है, ठीक है। ई है द चेंज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफेयर, यानी वेदर चेंज होने का कंडीशन भी इसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से हमें ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। ओके, तो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ।